स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस लेक्चर वी डिड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एज अ लास्ट टॉपिक. तो उसी टॉपिक के फर्दर आगे स्पेशल केसेस थे कुछ. सो लेट अस डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास टाइम पीरियड की अगर हम याद करें तो थ्री इक्वेशंस थी. फर्स्ट वॉज टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन जी एम. ये थी हमारे इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट थी हमारी इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, दैट वॉज 2 पाई आर अंडर रूट आर प्लस एक्स होल क्यूब, दैट इज योर 2 पाई अपॉन आर अंडर रूट आर प्लस एक्स होल क्यूब अपॉन जी. एंड योर लास्ट इक्वेशन वॉज इन टर्म्स ऑफ योर डेंसिटी, that is t equals to 3 pi r plus x whole cube g r cube rho. तो आपके पास ये तीन equations थी time period of a satellite से regarding जो हमने find out करी थी. तो इसमें हमारा एक ही special case है तीनों में. वो क्या, अगर जो आपकी satellite है वो earth के बहुत close घूम रही हो, जैसा हमने orbital velocity में भी किया था. So if the satellite is revolving very close to the surface of earth, that is your, जो आपका height है h, वो क्या लेना है आपको, 0. So putting in equation 1, we have t equals to 2 pi under root r plus 0 whole cube upon g m. So your time period in terms of gravitational constant when your x is equal to 0 comes out to be r cube upon g m. ठीक है, next time period आपको क्या होगा अगर आप x equals to 0 put करेंगे, 2 pi upon r under root r cube upon g, that can be further expanded as r square under root r upon g. ठीक है, सॉरी r, ये मैंने यहाँ कैसे लिखा, देखिए अंडर रूट में आपके पास क्या था, r cube r multiply by r multiply by r. सो इसका पेयर अगर बाहर निकाले तो हम यहाँ पे r लिख सकते हैं. सो यू हैव हियर इज r अंडर रूट r upon g. सो r से r कैंसिल हो जाता है आपका. यू हैव हियर 2 pi अंडर रूट आर अपॉन जी. ठीक है, ये आ गया आपका टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन योर एक्स इक्वल्स टू 0. एंड योर लास्ट वन इज टी इक्वल्स टू 3 pi आर प्लस 0 होल क्यूब जी आर क्यूब रो. सो 3 pi आर क्यूब जी आर क्यूब रो, आर क्यूब एंड आर क्यूब गेट कैंसल आउट, 3 pi जी रो, वेयर रो इज योर डेंसिटी ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये है स्पेशल केस टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट के रिकॉर्डिंग में जब आपकी सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे के बहुत ही क्लोज रिवॉल्व कर रही हो. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आपके पास ये सारे चीजें दी हो, जैसे कि आपका रेडियस, ग्रेविटी आपके पास गिवन हो और टाइम पीरियड भी गिवन हो, तो आप हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव अर्थ कैसे निकाल सकते हो. सो योर नेक्स्ट पार्ट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट, दैट इज योर एक्स, जो हमने यहाँ पे 0 पुट किया. ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक. सो आपके पास एक इक्वेशन है यहाँ पे, दैट इज टी इक्वल्स टू 2 pi r, टी इक्वल्स टू 2 pi upon r under root r plus x whole cube upon g. ओके, ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है. अब हम इसी इक्वेशन से फर्दर जो हाइट है वो कैलकुलेट करेंगे. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स को. सो यू हैव आर प्लस एक्स होल क्यूब
अपॉन जी, ठीक है। अब यहाँ से जो आप है ये वाला सारा पार्ट इधर ले जाइए और आर प्लस एक्स को होल क्यूब को एक तरफ रहने दीजिए। सो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी अपॉन फोर पाई स्क्वायर, सो आर प्लस एक्स होल क्यूब, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्यूब हटाना चाहें तो हमें इधर क्यूब रूट करना पड़ेगा, दैट इज आर प्लस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन फोर पाई स्क्वायर, ठीक है। आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि हम दोनों की पावर्स को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की पावर्स को 1/3 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ हम 1/3 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका पहले पावर क्या है, ओनली 1, तो यहाँ पे आपकी 1/3 पावर आ गई, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो आपके पास क्या बचा, सिर्फ आर प्लस एक्स, ठीक है। तो आर प्लस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी क्यूब रूट फोर पाई स्क्वायर, अब यहां से हम अपना x सेपरेट कर लेते हैं। सो x ये जो r है यहाँ प्लस का है, इधर माइनस हो जाएगा। यू हैव हियर t स्क्वायर r स्क्वायर रो 1/, या फिर आप कंप्लीट को एक साथ लिखिए, t स्क्वायर r स्क्वायर रो अपॉन 4 पाई स्क्वायर क्यूब रूट माइनस एक्स सॉरी आर, ठीक है। फिर यहाँ का प्लस में इधर जाके क्या होगा, सिर्फ माइनस। तो ये क्या आ गया आपकी हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। देखो जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है That is equal to, yeah, that can be given as energy of satellite. So potential energy is the energy possessed by a body due to virtue of its position. ठीक है, position की वजह से, position या फिर आप ऐसा भी consider कर सकते हो because of its height. So that is given by u is equal to minus g mm upon r plus x. ये हमने अपने मोशन के डायनामिक्स में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला है, माइनस जी एम एम अपॉन आर, यहाँ पे हमारा जो ऑर्बिट की हाइट है दैट इज आर प्लस एक्स अलॉन्ग विद हाइट, हमारा जो रेडियस बनता है दैट इज आर प्लस एक्स। तो यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन बी गिवन एज माइनस जी एम एम आर प्लस एक्स। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी हो बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, तो जैसे कि आपको पता है जो मोशन है सैटेलाइट का दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ सैटेलाइट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑल्सो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब ये दोनों फोर्सेज वहां पे क्या इक्वली एक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सर्कुलर मोशन में है दैट इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर दैट इज मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे रेडियस है दैट इज योर आर प्लस एक्स। नाउ योर ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय न्यूटन कैन बी गिवन एज एफ जी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड योर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट इज अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज आर प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इन जैसे कि मैंने आपको कहा एज बोथ द फोर्सेस आर
एक्टिंग इक्वली, तो हम इन दोनों ही फोर्सेस को इक्वल इक्वेट करते हैं. सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल टू जी एम एम आर प्लस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपका एक आर प्लस एक्स दूसरे आर प्लस एक्स से कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, एंड आपके पास क्या जाता है यहाँ पे, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम आर प्लस एक्स. आपको यहाँ एम कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर. सो वी ऑलरेडी हैव एम वी स्क्वायर, वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट इट, दैट इज योर जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स. ठीक है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आई, हाफ ऑफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एक्स. दस योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैन बी गिवन एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड जो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ जी एम एम आर प्लस एक्स, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल है यहाँ पे, माइनस जी एम एम आर प्लस एक्स. अगर आप इसको इसका जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर ले लें, सो यू हैव हियर इज हाफ माइनस वन. सो जी एम एम आर प्लस एक्स वन माइनस. ठीक है, सो जी एम एम आर प्लस एक्स माइनस हाफ. सो आपके पास जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो इन नेगेटिव, जो टोटल एनर्जी है वो भी नेगेटिव में आएगी यहाँ पे. सो दैट इज माइनस हाफ ऑफ जी एम एम आर प्लस एक्स. तो है आपकी एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. ये सारा टॉपिक आपका मोशन ऑफ सैटेलाइट के अंडर डिफरेंट पार्ट्स में आ रहा है. नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है जो एनर्जी एक सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में मेंटेन रखती है, मतलब बांधे रखते है. बाइंडिंग सिंपल होता है बांधना, तो जो एनर्जी एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में बांधे रखती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. अब देखो, जैसे कि हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो मतलब जितनी एनर्जी उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में मेंटेन करने के लिए चाहिए, उतनी ही एनर्जी उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट से रिमूव करने के लिए लगेगी. ठीक है, तो मतलब कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या टोटल एनर्जी है वही आपकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी, बट उसका नेगेटिव, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी ऑर्बिट. ठीक है, माइनस ऑफ हाफ जी एम आर प्लस एक्स, दैट इज योर माइनस ऑफ ई. मतलब कि जो एनर्जी आपको ऑर्बिट को लूज करने में लगेगी उसका नेगेटिव पार्ट. सो बाइंडिंग एनर्जी कैन बी गिवन एज माइनस ऑफ ई, दैट इज योर जी एम एम ट्वाइस ऑफ आर प्लस एक्स. तो ये था आपका बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन. नाउ आपकी है वेरिएशन इन स्पीड एंड एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट टू चेंज विद चेंज इन रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट. वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट विद इट्स रेडियस. ठीक है, सो हमारे पास रिलेशन क्या था, बेसिकली
हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। ये हमारे पास रिलेशन था और पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास रिलेशन है माइनस जी एम एम अपॉन आर, जो हमने भी एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है। और जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी वो क्या थी, माइनस ठीक है ये थी। तो हम यहाँ से अपनी प्रोपोर्शनैलिटी देख सकते हैं कि जो भी है वो रेडियस के, जैसे आपकी वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस, दैट इज वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देयरफॉर व्हेन एवर द रेडियस इंक्रीजेज, जब भी आपका रेडियस इंक्रीज होगा ठीक है, इफ द रेडियस आर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट इंक्रीजेज योर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एंड ऑल्सो योर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। सेकेंड है आपके पास कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपकी जो रेडियस है वो डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। वाइस वर्सा होगा, जो भी क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी तो उसके ऑपोजिट जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, कम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी है जो आपकी, जब आपकी सैटेलाइट की जो रेडियस है वो डिक्रीज होगी तो टोटल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज। क्यों? और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज। अभी क्यों होगा देखिए, बिकॉज दे बोथ आर नेगेटिव हेयर। ठीक है, ये कंसेप्ट में जरा देख लूंगी। इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एंड टोटल एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज एज योर रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, इट इज डेजिग्नेटेड बाय E. So your total energy increases. जो भी होगा यहाँ पे वो क्या होगा, वाइस वर्सा, बिकॉज एवरीथिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। बट एक बात है यहाँ पे, जो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर आपका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि वो हाइट पे डिपेंड करेगी। तो आर प्लस एक्स क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है। और जो आपके पास टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, एक डिक्रीज हो रही है और दूसरी इंक्रीज। तो जैसे ही आपका रेडियस डिक्रीज होगा तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने आज टाइम पीरियड के कुछ स्पेशल केसेस, दैट इज योर एक्स इक्वल्स टू जीरो इन विच द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बाइंडिंग एनर्जी एंड वेरिएशन ऑफ स्पीड एंड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ सैटेलाइट पढ़ा है। इन अ नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज योर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, in which we will study about different types of satellites. So thank you. This is all for today.